हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि माँ प्रकृति की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके गार्डन में खूब सारे फूल और हरियाली भरी होगी। आज हम बात करेंगे एशियाटिक लिली की, जो कि एक बल्ब बेस्ड प्लांट है और विंटर में फ्लावरिंग करता है। ये समय इन बल्ब्स को लगाने के लिए सबसे बेहतरीन समय है। अभी आप इसको लगाएंगे तो लगभग एक महीने के अंदर आपको इस पर फूल मिल जाएंगे। एक पौधे पर कम से कम 3 से 4 कलियां आती हैं और अगर अच्छा बड़ा बल्ब हुआ तो ये 2 बार ही फूल देता है। चूंकि यह एक बल्ब बेस्ड प्लांट है तो इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसकी मिट्टी बहुत ही पोरस होनी चाहिए, जो पानी को ज़्यादा होल्ड ना करती हो, नहीं तो बल्ब सड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छी मिट्टी बनाने के लिए आप भुरभुरी मिट्टी लीजिए 60%, नदी की रेत 30% और बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद को 10% मिलाइए। सो फंगस से बचाने के लिए थोड़ी सी नीम खली या थोड़ी सी फंजीसाइड आप इसमें मिला सकते हैं। एशियाटिक लिली के एक बल्ब को कम से कम 6 इंच के गमले में लगाएं। आप 8 इंच के गमले में 3 बल्ब, 12 इंच में 6 से 7 बल्ब लगा सकते हैं। लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हर बल्ब के चारों तरफ कम से कम 3 से 4 इंच की जगह रहे। यहाँ पर मैंने 14 इंच के विंडो प्लांटर में 10 बल्ब लगाए हैं। बल्ब को आपको इस तरह से लगाना है कि पूरा का पूरा बल्ब मिट्टी से ना ढके। थोड़ा सा ऊपरी भाग आपको मिट्टी के ऊपर रखना है, जो कि इसको सड़न से बचाएगा। बल्ब लगाने के बाद आप इसमें भरपूर पानी दें ताकि पानी गमले के नीचे से निकल जाए। उसके बाद आपको इसको बहुत कम पानी देना है, क्योंकि यह एक बल्ब बेस्ड प्लांट है इसलिए इसको बहुत कम पानी की जरूरत रहती है। अगर आप इसमें ज्यादा पानी देंगे तो बल्ब सड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप इसको सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप दें। आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इससे संबंधित और जानकारी के लिए कृपया सूचित करें।